नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज विद टी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का 66 वर्ष की उम्र में निधन। कल निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का शनिवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने 12:07 पर अंतिम सांस ली। वह 66 साल के थे। जेटली के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली के परिवार से बात की है। पिछले दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना था। उनका अंतिम संस्कार रविवार को 2 दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। मोदी ने यूएई में रुपे कार्ड जारी किया। यूएई के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फ्रांस दौरा पूरा करने के बाद शुक्रवार देर रात संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंचे। उन्होंने यहां अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयम से मुलाकात की। इसके साथ ही शनिवार को मोदी ने रुपे कार्ड भी जारी कर दिया। उन्होंने यहां व्यापारी वर्ग से भी मुलाकात की और उनसे भारत में निवेश करने का आग्रह किया। मोदी को यहां यूएई के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से भी नवाजा जाएगा। इस अवार्ड की घोषणा इस साल अप्रैल में हुई थी। राहुल गांधी संग श्रीनगर पहुंचा विपक्ष का डेलीगेशन, एयरपोर्ट पर हंगामा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज श्रीनगर पहुंचा। यहां प्रतिनिधिमंडल वहां के लोगों और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विपक्षी डेलीगेशन को एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोक दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा हमने सरदार पटेल का सपना पूरा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को पूरा किया है। वह चाहते थे कि अन्य राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। अमित शाह हैदराबाद में आईपीएस के पासिंग आउट परेड के दौरान बोल रहे थे। आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आगे कहा कि हमने तो सिर्फ अपने देश के पहले गृह मंत्री की उस इच्छा को पूरा किया है जिसे वह हमेशा से करना चाहते थे। भारत के सुमित नागल ने यूएस ओपन के मुख्य दौर के लिए क्वालिफाई किया। रोजर फेडरर से मुकाबला होगा। भारत के सुमित नागल ने यूएस ओपन के मुख्य दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शुक्रवार को तीसरे क्वालिफायर मैच में उन्होंने ब्राजील के जोआओ मेनेजेस को 5-7, 6-4, 6-3 से हराया। मेंस सिंगल्स के मुख्य दौर में सुमित का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 3 स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर से होगा। सुमित वर्ल्ड रैंकिंग में 190वें स्थान पर हैं। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।